हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पेंटिंग मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आचार्य विनोबा भावे जी का स्केच, जो भूदान आंदोलन के प्रणेता और बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका आज हम स्केच बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो जरूर देखें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे जी का स्केच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्केच पेन लेंगे। उसकी सहायता से हम सबसे पहले उनका चश्मा बनाएंगे, उसके बाद में हम उनकी नोज़ बनाएंगे, फिर हम चश्मे को दोनों साइड से ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर उनकी आइज़ बनाएंगे और फिर हम उनके दूसरी साइड की आंखें बनाएंगे। तो इस तरीके से उनकी आइज़ बन गई है। अब हम उनके ऊपर मफलर का शेप देंगे, उनके ऊपर जो उन्होंने पगड़ी बांध रखी है, और इस तरीके से हम इन्हें ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो ज़रूर देखिए। तो इस तरीके से इनकी पगड़ी बन गई है। हम इनकी दाढ़ी बनाएंगे। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमने ऐसे हल्का हल्का स्केच किया है, क्योंकि इनकी दाढ़ी वाइट भी दिखानी है हमें, इसलिए ज़्यादा इसमें हम पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी साइड में भी ऐसे मफलर निकालेंगे इनका, और इस तरीके से इनकी दाढ़ी ड्रॉ हो गई है। और फिर हम ऐसे इधर की साइड में इनका मफलर बना देंगे, और अब हम इसे थोड़ा डार्क करेंगे, जिससे कि ये हमारे काफ़ी स्केच काफ़ी उभर के आएगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा डार्क करेंगे। तो डार्क करने के लिए ऐसे ही चारों तरफ हम थोड़ा डार्क करेंगे, और इस तरीके से हमारे आचार्य विनोबा भावे जी का स्केच काफ़ी उभर के आएगा और ये काफ़ी एट्रैक्टिव लगेंगे। तो देखिए, इस तरीके से इनका स्केच बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनका स्केच बनके तैयार हो गया है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।